हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख रहे थे, स्क्वायर्स भी सीख चुके हैं और स्क्वायर रूट भी सीख चुके हैं ना। और स्क्वायर रूट हम लोगों ने कल की वीडियो में सीखा था डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कल की वीडियो तो देख ही ली होगी। आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 आज करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो आपको डिजिट्स दी हुई हैं 402, 1989 और इसके आगे और भी डिजिट्स हैं, उन नंबरों में से क्या ऐसे छोटे से छोटा नंबर सबट्रैक्ट किया जाए ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बन जाने के बाद जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगा, आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताना है, ठीक है। तो जैसे डिवीजन मेथड से हमने निकाला था ना, हम उसी मेथड से निकालेंगे इसको, है ना। देखो कैसे निकाला था हमने, मैंने आपको बताया था कि 402 लिखेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, जो पेयर नहीं बनेगा कोई बात नहीं। अब इसको डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो डिजिट हमारे सामने है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस किया 0 आया। नेक्स्ट पेयर को यहाँ लिखेंगे और 2 का डबल करेंगे 4। अब मुझे बताओ क्या इसमें डिवाइड जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिजिट हमने यहाँ पर लिखी है ये ऑलरेडी 4 से छोटी है, तो डिवीजन नहीं जाएगा। और जब डिवीजन नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं 0 और इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो डिजिट आपको मिली है ये बच के आपका रिमाइंडर है ना। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, किसी भी डिजिट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी डिजिट थी 402, रिमाइंडर हमने माइनस किया, क्या आ गया, 400 आ गया, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जो 400 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर क्या मिला है, देखो यहाँ पर आंसर क्या मिला आपको, 20। और जब आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 400 मिल जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, दूसरा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल के भी दिखाना होगा। तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न से चलेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस किया 0 आया, ये दोनों उतार लिए, डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 आ गया। क्या आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, यानी आप लिखोगे कि वी मस्ट सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402, we must subtract 2 from 402 to get a perfect square, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। next देखो, next क्या है, 1989, तो 1989 को लिख लो पहले और इसके factor करेंगे, factor नहीं करेंगे, division method से निकालेंगे, ठीक है। तो division method से निकालेंगे, 4 4 16, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो 5 5 25, वो ज्यादा हो जाता है। अब 19 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब 89 को यहाँ लिख लेंगे ना, अब 4 का डबल करेंगे 8, और कोई ऐसी डिजिट जिसको उससे डिवाइड करने पर या तो इनके 389 के बराबर आ जाए या इसके अराउंड आ जाए। तो देखो अगर 5 से करते हैं इस तरीके से, 5 5 5 25, ठीक है, 5 8 40, और ये क्या हो जाता है, 42, यानी कि ये तो 389 से ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख दो। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 336, माइनस करो 3 और यहाँ पर क्या बचेगा, 5, ठीक है। तो ये जो डिजिट है, ये जो आपका रिमाइंडर बच गया, अगर आप 1989 में से 53 को माइनस करते हो, है ना, तो आपको क्या मिल जाता है, तो आपको वो डिजिट मिल जाती है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है,
ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया 1936, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यहीं से पता चल जाता है वैसे तो हमको, कि 44 इंटू 44 आप करोगे तो आपको 1936 आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि बोल रखा है तो आपको निकाल के दिखाना है यहाँ पर 1936, ठीक है। तो 4 4 16 बचा, और 4 का डबल करेंगे एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ गया 36 और ये 0, तो कितना आ गया 44 आ गया परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी मस्ट सबट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। दोनों को समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 3250, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे 3250, देन मेथड से करेंगे 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, तो 6 ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 5 5 25। जल्दी से फटाफट से सभी लोग मेरे साथ साथ करेंगे, कितना बचेगा 7 और 7 5 0, यहाँ लिख लेंगे 5 का डबल 10। अब क्या डिजिट ऐसी लूं कि 750 से या तो छोटा आ जाए या बराबर आ जाए, ठीक है। ये 5 है, इसको कुछ और मत समझना, ये 5 है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, 7 से 7 7 जा 49, 4 और 7 1 जा 7, आ गया ना एक नंबर छोटा, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है, समझ में आया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, वी मस्ट 7, यहां भी लिखेंगे वी मस्ट सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। माइनस कर दो 3250 माइनस 1 इज इक्वल टू 3249, ये जो डिजिट आ गई ये परफेक्ट स्क्वायर आ गई, और इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकल कर आया, ये मैं यही शॉर्ट में लिख देती हूँ, अब आप लोग अपने आप निकालोगे, 57 निकल कर आया इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, समझ में आ गया, क्या निकल कर आया 57 निकल कर आया इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट वाला देखो 825, पेयर बना लो इस तरीके से 825, 2 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 2 से ही जाएगा, माइनस किया 4 बचा, 25 उतार लिया, 2 का डबल 4, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए लगभग 8 से करते हैं, 8 8 जा 68, इसको हटा देना, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 32 में 6 हो जाएगा 38, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ जल्दी से फटाफट, 41। तो हम क्या लिखेंगे, वी मस्ट सबट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 825 माइनस 41, जल्दी से कर दो फटाफट, 4 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 2 में से 4 जा नहीं सकता तो 12 में से 4 8 बचेगा, और यहाँ पर 784, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 28। जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे इस तरीके से तो आंसर क्या आएगा इसका 28, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो गया 57 किसका, 3249 का, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरीके से 7 8 4 और परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल कर आएगा इसका 28,
4000 का देख लो, 400 का किया था ना हमने, 220 आया था, लेकिन यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना, यहाँ पर हमको निकाल कर देखना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, 6 6 जा 36, 4 बचा 0 0 उतार लिया, ठीक है। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 का डबल करो पहले तो 12, 3 से करते हैं 3, यहाँ भी लिख लो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 369, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, तो क्या रिमाइंडर रह गया, 31, ठीक है। तो वी मस्ट subtract 31 from 4000, get a perfect square. Clear? So 4000 minus 31, 10 में से 10 में से हम माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 और 3, तो क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3969, और आंसर क्या होगा इसका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा वो 63, ठीक है। यानी 63 को जब 63 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जो होगा 3969, ठीक है, नियर अबाउट 4000। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट बी एडेड, अभी आपको माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। पहले तो आपको सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जो हम अभी तक करते आए हैं, डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने की कोशिश। तो 2 2 जा 4, 1 बचा 25 लिख लिया, अब 2 का डबल करेंगे 4, इससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, जल्दी से बता दो किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, क्या 2 से मल्टीप्लाई करके देखूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो 4 3 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 2 से करेंगे, ठीक है, जब इसे 2 से करेंगे क्या आएगा आंसर, 84, माइनस करो 1, 12 में से 8 गया तो 4, यानी क्या बचा, 41 आपका रिमाइंडर बच गया, है ना, क्या बच गया, 41 आपका रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ क्या करेंगे अब ये जो आपको 41 है इसको आप जब ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी मस्ट ऐड, वी मस्ट ऐड, नहीं अभी अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है, क्या करेंगे अब इसको, अब जब हम इसको एक बार और, यानी अभी हमने इसको किससे किया, 2 से, दूसरी बार में हमने इसको किससे किया, 2 से, तो जब हमने 2 से किया तो इसका रिमाइंडर क्या आया, इसका रिमाइंडर 41 आया। अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, 525 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई पहले तो 2 टाइम्स जाएगा, 4 आ गया, 1 आ गया, 25 उतार दिया, ठीक है। अब इसको करो 3 से, जब हमने 3 से किया इसको तो 4 3 into 3, तो क्या आया 129, ठीक है, क्या आया 129 आ गया, जो ज्यादा था, बात को समझ रहे हो, जब आपसे सब्ट्रैक्ट बोला जाएगा तो केवल एक बार ही आपको डिवीजन मेथड से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देना है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाएगा कि ऐड क्या ऐड करना है, तब आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, तब आप इस तरीके से दो बार निकालोगे, एक बार जितनी बार में रिमाइंडर बचता है, देन उसके बाद अगली बार एक बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो अब यहां देखो ध्यान से बिल्कुल, हेयर जब आप 22 की पावर करते हो तो वो क्या होती है, छोटी होती है, किससे, 525 से, और जब आप 23 की पावर करते हो तो वो क्या होती है, 23 की पावर, ये इस तरीके से लिखोगे, ठीक है।
यानी जो 22 की पावर 2 है वो 525 से छोटी है, और जो 23 की पावर है वो 523 से छोटी, यानी 525 दोनों नंबरों के बीच में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या लिखो, वी कैन से 525 इज, 129 में से 125 को माइनस कर दो, ठीक है, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 तो लिखेंगे 4 लेस देन 23 की पावर 2, यानी 23 की पावर जब आप 2 करोगे, यानी 23 को जब 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी जो पावर उसकी उसमें से आपको क्या करना है, 4 माइनस करना है, सॉरी 4 ऐड करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, सिंस इफ वी ऐड 4 टू 525 इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बात को समझे या नहीं समझे, है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 525 प्लस 4 इज इक्वल टू 529। ठीक है, बात को समझे या नहीं समझे, चलो मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जब हमारे क्वेश्चन में लिखा होगा वो वी मस्ट बी सबट्रैक्ट, है ना, कि क्या सबट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब तो आपको सिंपल सबट्रैक्ट कर देना है, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसको सबट्रैक्ट कर देना है। लेकिन जब आपको ये लिखा हो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जैसे हम सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में कर रहे थे वही करेंगे। ठीक है, आप इसका डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे बचने दो, रिमाइंडर बच रहा है, फिर क्या करोगे आप, जब आपने सेकंड टाइम उसको डिवीजन किया था तो कुछ रिमाइंडर बचा था, लेकिन अब आप उससे बड़े नंबर से डिवीजन करोगे उसको, तो वो बड़ा नंबर ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई आप डबल के साथ करोगे तो बड़ा आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 25 है, यानी ये जो 25 है ये 29 से कितना छोटा है, वो डिफरेंस निकाल लेंगे। दूसरी बात कि ये जो 525 है ना, ये 22 की पावर 2 से बड़ा है और 23 की पावर 2 इससे छोटी है, यानी ये दोनों के बीच में आता है, 22 की पावर और 23 की पावर के बीच में आता है। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड टाइम में माइनस करने के बाद रिमाइंडर जो बचा है केवल उसको आप इसमें ऐड करोगे, यानी इस पे जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको आप इसमें ऐड करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ और सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, देखो 1750 पहले पेयर बनाया, 4 4s are 16, ठीक है, अब 4 का डबल 8, 2 से करो मल्टीप्लाई और यहाँ 2 लिख दो, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 8s are 16, ये ज्यादा हो गया, पहले हम छोटी डिजिट से करेंगे। ठीक है, तो 1 से किया, 1 1s are 1, 1 8s are, क्या आएगा आपका रिमाइंडर, बचेगा यहाँ पर 69। अब आप यहाँ पर जो 1 से किया है ना वो आप 2 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो 1750, 4 से किया पहले, 4 4s are 16, 1 बचा 5, अब आप 2 से करो, 4 का डबल 8, यहाँ 2 से, और 2 से ही इसको आप क्या करोगे, तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ आएगा 164। ठीक है, अब देखो
1750 41 के स्क्वायर से बड़ा है और 1750 42 के स्क्वायर से छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में आता है ना। तो हम यहां पर भी तो ऐसे ही लिखेंगे, हियर 41 का स्क्वायर इज लेसर देन 1750 और 42 का स्क्वायर इज लेसर देन 1750, यानी 1750 इन दोनों की पावर के बीच में आता है। ये दोनों नंबर कैसे कंटिन्यू नंबर है, बिल्कुल कंटिन्यू नंबर 41 और 42, यानी 41 की पावर से बड़ा है और 42 की पावर से छोटा है, ठीक है। तो वी कैन से 1750 इज 164 माइनस 150 कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 14 है ना। तो 14 लेस देन 42 की पावर 2, यानी 42 की पावर 2 करते हो जब आप, तो उससे कितना छोटा है, 14 छोटा है, 14 छोटा है ना। तो इफ वी एड 14 टू 1750, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई समझ में बात कि अगर आप 42 की पावर 2 जो भी आपका आएगा, 42 की पावर 2 करेंगे, यानी 42 को 42 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। वही आप अगर 1750 में प्लस कर देते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा। मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको, प्लस न्यू नंबर, सॉरी न्यू नंबर इज इक्वल टू 1764, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जब हम 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखो 42 को मैंने 42, यानी 42 की पावर आप ऐसे लिख लो, तो किया तो मेरा आंसर क्या आया, 1764 ही आया। समझ गए ना आप तो बात को कि कैसे कर रहे हैं हम ऐड में और कैसे करते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये टिपिकल है, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस बिल्कुल सब इजी हो जाएगा और आपको समझ में जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन कुछ भी आपको टफ लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है जो आपको ऐड वाले मिलेंगे। पहले एक डिजिट छोटा वाला निकालना, उसकी स्क्वायर, और एक डिजिट बड़ा वाला, उसकी स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला डिजिट आएगा आप उसकी स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो कि जो आपकी बड़ी वाली डिजिट आएगी, यानी अगर आप ऐसे करते कि 42 into 42 करते तो 1764 आया, ठीक है। अब 1764 में से आप 1750 को माइनस करके देख लो 14, यानी इस डिजिट में आपको 14 और ऐड करना है तब आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत दिल से बनाई जा रही है, बहुत मन से आप लोगों को समझाने के तरीके से बनाई जा रही है ना। तो सभी को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये मेरा लोगो है श्वेता क्लासेस, अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो ये लोगो आपको दिखेगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग है, यानी जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ डेली, वो 1:30 PM है। 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिल जाती है ना। चलो नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही कंटिन्यू है ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। फिर से करते हैं 252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम छोटा छोटा लिखे थोड़ा सा तरीके से 252। तो पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1 1 बचा, 1 की डबल 2, आप किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 इधर और 5 इधर, 5 यहां भी लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12, माइनस किया कितना आया 27, ठीक है।
अब एक डिजिट बड़े से डिवाइड करेंगे इसको, 252 को पहले वन से ही करेंगे, बचा 52। अब 5 की जगह पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 की जगह पर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 का डबल 2, 6 से, यहाँ 6 से, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 और ये 15। तो कितना कितना एक्स्ट्रा आया, अभी निकालना नहीं है एक्स्ट्रा को। अब आप क्या करोगे, अब आपको एक लाइन लिखनी है वही वाली हेयर, 15 की पावर 2 इज लेसर देन 252 और इज ग्रेटर देन 16 की पावर 2, यानी 15 की पावर से बड़ा है 252 और 16 की पावर से छोटा है। तो अगर आपको यहां ले जाना है तो आपको माइनस करना होगा कुछ डिजिट, लेकिन क्योंकि आपको ऐड करना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप 16 की पावर 16 कर लो और उसमें से आप 252 को माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो क्या करोगे, जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है, यानी कितना है इनका डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, क्या करेंगे हम, वी कैन से, क्या कहते हैं हम, 252 इज, माइनस करो 156 माइनस 152 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 लेस देन 16 की पावर 2, यानी ये जो 252 है ये 16 की पावर 2 से केवल 4 कम है। इसका मतलब अगर 252 में हम 4 प्लस कर देंगे तो वो 16 की पावर बच जाएगा, है ना। देखो, इफ वी एड 4 टू 52, इट विल बी अ परफेक्ट, ठीक है, तो 252 प्लस 4 इक्वल टू 256, और जब आप 16 इंटू 16 करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 256, यानी 15 से आगे जाना है, 16 के बराबर रहना है, तो 16 की पावर 2 जितना आंसर होगा वो कब आएगा, जब हम 252 में 4 प्लस कर देंगे, ठीक बात। नेक्स्ट वाला देखो, 1825, इसको भी सेम पैटर्न से करना है, 1825 से पहले हेयर, तो 4 4 16, 2 बच गया 25, 4 का डबल 8 से डिवाइड करूं इसको, जल्दी से बता दो, 2 से करते हैं, ठीक है, 2 इधर भी, 2 इधर भी और 2 इधर भी, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगर आप 3 से करोगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 1 12 में से 6 किया 6, तो कितना बचेगा आपका, नहीं 1 एक मिनट, 2 2 जा 4, 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है 61 बचा, ठीक है। अब 1825 को से करेंगे 44 से तो करेंगे करेंगे, 16 2 बचा, अब यहाँ 3 से करेंगे, ठीक है, इसे करेंगे 3 से करेंगे, 25 उतारो 3 से करो, तो 4 का डबल हो गया 8 और 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ठीक है, क्लियर बात, बिल्कुल यहाँ पर भी लिखना है, हेयर 42 की पावर 2 इज लेसर देन 1825 और ये किससे लेसर है, 43 की पावर 2 से, ठीक है, वी कैन से 1825 249 माइनस 225 ना बचा, माइनस करके
9 में से 5 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 गया तो 24, ठीक है। तो 24 इज लेस देन, 24 इज लेस देन 43 की पावर 2, यानी 43 की पावर अगर आप 2 करते हो तो वो कितना कम है, केवल 24 कम है, ठीक है। फिर आप लिखोगे इफ वी एड 24 टू 1825, इट विल बी अ फैक्ट स्क्वायर, ठीक है। प्लस कर दो, 1825 प्लस 24 इज इक्वल टू 1849, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसको आप लोग खुद करोगे, इसको आप लोग खुद करोगे, 6412 वाले का आंसर आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे सभी लोग, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात एकदम इजी से? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हूज एरिया इज, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल बन गया है लेकिन है ये स्क्वायर, इसकी एक लेंथ बतानी है जिसका एरिया, भाई सभी को मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बताओ जल्दी से फटाफट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया दे रखा है तो 441 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, अब ए इज इक्वल टू क्या करोगे, ये पावर इस पर लग जाएगी अंडर रूट, ठीक है। अब इस अंडर रूट को निकाल लो चाहे तो फैक्टर मेथड से या फिर अपने सेम डिवीजन मेथड से, इस तरीके से निकालो, 2 2 4 0 बचा, 41 लिख लिया, 2 का डबल हो गया 4, और किससे करूं अब मैं इसको, 1 से कर सकती हूँ केवल क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। तो 1 1 जा, यहाँ भी लिखो 1 1 जा 1, और 1 4 जा 4, तो कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 21 मीटर, ये आपका साइड निकल कर, ठीक है। समझ में आ गई ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, 441 करो ऐसे, यहाँ आपको टाइम लगेगा, तो ये सोचना पड़ेगा किससे जाएगा 441, किससे जाएगा 21 से जाएगा, क्या आ जाएगा 21 से, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 21 2 जा 42 और 2 बचेगा 21, फिर 21 से जाएगा 1, पेयर में से एक निकाल लो 21, और ये मेथड सबसे इजी है, इस मेथड में आपको सोचना नहीं है कि किस से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल नया था आपके लिए, एकदम से नहीं किया था, इससे पहले कभी नहीं किया था, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो तो बिल्कुल न्यू था, इंट्रोडक्शन ही था उसका, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, है ना। जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर सीखना है, और जब सीखना है तो सीखने में जल्दबाजी नहीं होती। आप लोग एक बार वीडियो को देखकर की प्रैक्टिस करेंगे, देन मुझे कमेंट करेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा है तो सभी लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे ना? और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 1:30 PM वाली क्लास का, ठीक है। चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।